Dear students, hope you all are fine, safe and healthy at your home and enjoying your online classes. I, Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel, SIMS Official. As you all know that we are discussing about the body movements in our previous videos. And now we will continue with our next topic of this chapter, that is hinge joints. Open and close a door a few times. कुछ टाइम्स आप डोर को ओपन और क्लोज करके देखिए. ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली. और जो डोर की जो हिंजेस होती हैं, अब आप उनको केयरफुली ऑब्जर्व करिए. दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ. ये हिंजेस जो होती हैं, ये डोर को आगे और पीछे होने के लिए मूवमेंट में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, मूवमेंट करने देती हैं. नाउ लेट अस कंटिन्यू विद एक्टिविटी 3. लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज. देखिए, जो हिंज से मूवमेंट होता है, जिस टाइप का मूवमेंट होता है, हम उसको स्टडी करते हैं, हम उसको देखते हैं किस टाइप का होता है वो. मेक अ सिलेंडर विद अ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर एज शोन इन फिगर 8.5. दे देखिए, आपको फिगर 8.5 में एक आपको ये दिया हुआ है, हिंज लाइक जॉइंट दिया हुआ है आपको. इस सिलेंडर शेप में आपको एक कार्डबोर्ड से एक आपको फिगर बनानी है, ठीक है. Attach a small pencil to a cylinder by passing the cylinder at the center as shown. देखिए, जिस टाइप के आपको यहाँ पे शो हो रहा है ना, अब आपको यहाँ पे एक होल करके पास करना है. यहाँ पे आपको एक होल करना है और यहाँ पे सिलेंडर में आपको एक स्मॉल पेंसिल इसमें अटैच करनी है, ठीक है. Make a hollow half cylinder from cardboard such that the rolled up सिलेंडर कैन फिट इन साइड इट ईजिली. अब आपको इस टाइप का एक हाफ हॉलो सिलेंडर बनाना है कार्डबोर्ड से, कि जो आपने जो पहले सिलेंडर बनाया था वो इसमें फिट हो जाए, इसमें अंदर फिट हो जाए ईजिली. द हॉलो हाफ सिलेंडर विद अ रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इन साइड इट. और जो हॉलो हाफ सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर जो है उसके ऊपर जो आपने रोल्ड अप सिलेंडर है, ठीक है. देखिए, पहले हाफ सिलेंडर रखा हुआ है येलो कलर का, है ना, और इसके ऊपर आपने ये रोल्ड अप कार्डबोर्ड का सिलेंडर रखा है, ठीक है. इस टाइप से आपको इसको सेट करना है. द हॉलो हाफ सिलेंडर विद अ रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट अलाउज मूवमेंट लाइक अ हिंज. और जो ये हॉलो सिलेंडर है वो क्या करेगा, जैसे हिंज मूवमेंट करता है ना, ये इस टाइप से आपको मूवमेंट करने में हेल्प कराएगा. ट्राई टू मूव द रोल अप सिलेंडर. अब आपको मूव कराना है जो रोल्ड अप सिलेंडर है, जो रोल अप वाला सिलेंडर है उसको मूव कराने के लिए ट्राई करना है. हाउ डज इट मूव, किस टाइप से मूव करता है. हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ अवर विद अवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. जब हमने अभी इससे पहले वीडियोस में हमने सीखा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाना, ये उससे किस टाइप से डिफरेंट है, किस टाइप से ये डिफरेंट मूवमेंट शो करता है, अब आपको ये ऑब्जर्व करना है. वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1. अब जो आपने एक्टिविटी 1 की थी, है ना, उसमें आपने बहुत सारे मूवमेंट करके देखे थे. तो ये आपको किस टाइप का मूवमेंट शो हो रहा है, जैसा आपको एल्बो में मूवमेंट होता है, जैसा आपका, है ना, एल्बो को आप कैसे बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हैं ना. वॉट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंज, ऑफ कोर्स, है ना. और जो हमने एक्टिविटी 8.5 में फिगर 8.5 में हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो ऑफकोर्स हिंज से डिफरेंट है. बट इट इलस्ट्रेट्स द डायरेक्शन इन विच अ हिंज अलाउज मूवमेंट. लेकिन ये क्या इलस्ट्रेट कर रहा है, जो जिस टाइप से हिंज मूवमेंट होता है, ये उसकी डायरेक्शन को इलस्ट्रेट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को बता रहा है कि किस टाइप से होता है. द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. देखिए, ये एल्बो आपको फिगर में शो हो रहा है ना, हिंज जॉइंट तो नी का है ये, बट एल्बो और नी दोनों में हिंज जॉइंट ही होता है, क्योंकि वो आपको अभी आप करके भी देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि किस टाइप से हिंज जॉइंट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शो करता है. कैन यू थिंक मोर एग्जांपल ऑफ सच जॉइंट. क्या आप इसके और एग्जांपल भी सोच सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि हिंज जॉइंट के क्या क्या एग्जांपल हैं जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शो करते हैं.